हरे कृष्णा। इस्कॉन बीकानेर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए लाए हैं एक विशेष वीडियो जो कि संबंधित है योगिनी एकादशी से। जैसा कि आप जानते हैं योगिनी एकादशी 6 जुलाई को इस साल मनाई जा रही है और योगिनी एकादशी भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को इसके संबंध में बताते हैं कि सारे पापों से हमारा उद्धार करने वाली है। एक समय की बात है जब युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि सभी एकादशियों का क्या विशेष महत्व है और निर्जला एकादशी के बाद जेठ मास की निर्जला एकादशी के बाद भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि इसके बाद कौन सी एकादशी आती है और उसका क्या विशेष महत्व है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी, उसमें जो इस व्रत का पालन करता है उसको जो है बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पापों से मुक्त हो जाता है। और इसी संबंध में भगवान श्री कृष्ण एक विशेष कथा सुनाते हैं जिसमें एक कुबेर, जो यक्षराज कुबेर हैं, शिव जी के महान भक्त हैं, उनके एक पार्षद थे जिनका नाम था हेमवाली। और वो जो है यक्षराज कुबेर की सेवा के लिए, कुबेर जब शिव जी की पूजा करते थे तो वो उनके लिए फूल लाते थे पूजा के लिए, पर यक्षराज कुबेर जब पूजा करते थे और हेमवाली फूल लाते थे तो हेमवाली की सेवा से यक्षराज बहुत प्रसन्न थे। एक दिन क्या हुआ कि हेमाली की पत्नी विशालाक्षी के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण हेमाली फूल लेकर यक्षराज कुबेर के पास न जाकर सीधे अपनी पत्नी विशालाक्षी के पास चले गए और भूल गए कि मुझे जो है अपनी सेवा करना है। और इस कारण से कुबेर बहुत अधिक समय तक उनका इंतजार की, लगभग 6 घंटे तक इंतजार करते रहे, पर फिर भी हेमाली जब नहीं पहुंचे तो बहुत दुखी हुए और उन्होंने जो हेमाली को का पता लगाया तो उनको पता चला कि वो अपनी पत्नी के साथ व्यस्त है। तो इस कारण से उन्होंने हेमाली को बुलाया और बोला कि दुष्ट, तुमने जो है मेरी सेवा में विघ्न उत्पन्न किया, भगवान शिव के प्रति घोर अपराध किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है कुष्ठ रोग से पतित होकर इस भौतिक जगत में मृत्यु लोक में निकल गिर जाओगे। तो हेमाली जो है तुरंत ही वहां से पतित हुए और उनको जो है कोड़े शरीर मिला वहां जाकर, पर भगवान शिव की सेवा में उन्होंने योगदान किया था इसलिए जो है वो समझ पाए कि मैं जो है पहले की गलतियों के कारण यहाँ फंस गया हूँ। और इस कारण से जो है वो मार्कंडेय ऋषि के पास पहुँचे और मार्कंडेय ऋषि से उन्होंने प्रार्थना किया कि मेरी मुक्ति का कुछ रास्ता बताइए। और उनकी सलाह पर उन्होंने बताया कि आप जो आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी उस व्रत का पालन करेंगे तो आपके सारे पाप शुद्ध हो जाएंगे, सारे पाप दूर हो जाएंगे और आप जो है वापस अपने दिव्य पद को प्राप्त करोगे। और उन्होंने जो आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी का पालन किया और वो जो है उसको पालन करके सीधे वापस अपने वास्तविक गंतव्य यक्षराज की सेवा में वापस पहुंच गए। तो इस प्रकार से अगर हम भी एकादशी का पालन करें तो हमारे जीवन में भी सारे पापों से हम मुक्त हो सकते हैं और भगवान की शुद्ध सेवा में वापस लौट सकते हैं। तो योगिनी एकादशी का पालन कैसे करें, तो भगवान बताते हैं यज्ञ दान तपस्या, ये जो है पावन आनी मनीषी नहा, सारे मनीषियों बड़े बड़े विद्वानों बड़े बड़े तपस्वियों को भी शुद्ध करने वाली है। तो इस दिन जो है हमको भगवान के नाम का उच्चारण करना चाहिए, जैसा कि कलयुग में है कलो हरि संकीर्तनाथ, कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है भगवान हरि के नाम का संकीर्तन। तो भगवान हरि के नाम का संकीर्तन करेंगे तो फिर जो है हम सारे पापों से और योगिनी एकादशी के विशेष फल को भी प्राप्त करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। दूसरा है दान, यज्ञ दान और तपस्या। तो दान जो है जो भी एकादशी के व्रत का पालन करते हैं उनको यथा योग्य यथा शक्ति योग्य पात्र को कुछ दान भी देना चाहिए। और तीसरा है तपस्या, तपस्या का अर्थ है कि एकादशी को किसी प्रकार का अन्न व्यंजन नहीं खाना चाहिए, अन्न दाल तिल इसका परहेज करना चाहिए, फल फूल सब्जी इसका सेवन करना चाहिए। एकादशी के लिए जो योग्य आहार बताया गया है उसमें जो है अन्न वर्जित है, तो कम से कम हमको अन्न से अपने आप को बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम योगिनी एकादशी का पालन कर सकते हैं और इसके दिव्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भी चैनल को ना भूलें। हरे कृष्णा।